हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अवर चैनल होलिस्टिक फैक्ट्स। आज के इस वीडियो में हम एंग्रिया बैंक कोरल रीफ्स के बारे में देखेंगे और हम ये भी देखेंगे कि क्यों कहा जाता है कि ये इंडिया के ग्रेट बैरियर रीफ्स बन सकते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ्स आप सबको पता ही होगा कि ये वर्ल्ड के सबसे बड़े बैरियर रीफ्स हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो बेसिक देखेंगे कोरल रीफ्स होते क्या हैं। इसे आप रिविजन की तरफ समझे क्योंकि अब तक तो आपने कोरल रीफ्स के बारे में पढ़ा ही होगा। तो ये एक टाइनी लिविंग क्रीचर्स की कॉलोनी जैसा होता है। रीफ मतलब एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं टाइनी इंडिविजुअल क्रीचर्स। और ये जो क्रीचर्स हैं इनमें भी दो अलग अलग आपको स्पीशीज़ मिलेंगी। ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है बिटवीन कोरल पॉलिप्स जो कि इसेंशली जूजानथेली होती है, टाइनी एनिमल्स, राइट, और अल्गी में। तो इसमें अब दोनों ही एक दूसरे से कुछ ना कुछ दोनों को ही फ़ायदा होता है। तो जो कोरल्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं एल्गी के लिए एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट टू ग्रो इन एंड टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। और फिर जो एल्गी होती है वो बदले में फोटोसिंथेसिस से क्रिएट किया हुआ जो फूड होती है, प्रोड्यूस किया हुआ फूड कोरल्स को प्रोवाइड करते हैं। प्लस कोरल्स के सराउंडिंग में कैल्शियम कार्बोनेट का डिपॉजिट होता है, राइट। रादर इस कैल्शियम कार्बोनेट के एक्सोस्केलेटन में ही कोरल्स जो है वो रिसाइड करते हैं। और जिस तरीके से फिर ये बढ़ते जाते हैं, मल्टीप्लाई होते जाते हैं, तो ये जो डिपॉजिट है ये भी बढ़ते जाता है। और जब नीचे का इमेजिन कीजिए कि ओशन फ्लोर पे अगर एक लेयर कोरल्स का बन गया है, व्हेन दैट पर्टिकुलर लेयर डाइज आउट उसके ऊपर दूसरा लेयर क्रिएट होता है। तो इस तरीके से ये जो डिपॉजिट है ये बढ़ते जाता है और ये बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम कोरल रीव्स बोलते हैं। अब ये बायोडाइवर्सिटी में बहुत ज़्यादा रिच होता है, इनकी अपनी ही एक इकोसिस्टम बन जाती है। अब क्योंकि ये जो रीफ्स होते हैं ये एक सबस्ट्रेटम या फिर एक बेस प्रोवाइड करते हैं, राइट, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को वहाँ पे रहने के लिए। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा रिचनेस है बायोडाइवर्सिटी का कि ये ओशन का सिर्फ 0.1% एरिया कवर करते हैं, बट इनमें 25% ऑफ द मरीन स्पीशीज़ जो है वो पाई जाती है। प्लस यूजुअली शॉलो एरियाज़ में ये मिलते हैं, बट कभी कभी डीप वाटर कोरल्स भी आपको मिल सकते हैं जो कि अबाउट 450 फीट अंडर वाटर भी हो सकते हैं। यहाँ पे बस ये एक हमने एक रिप्रेजेंटेटिव इमेज दे दी है जो कि आपको ये ब्रश लाइक टेंटिकल्स दिखते हैं, दिख रहे हैं, उनमें यूजुअली एल्गी जो है वो रिसाइड करते हैं। और कोरल्स जो होते हैं वो आपको अनगिनत डाइवर्सिटी कोरल्स में भी आपको मिलेंगी, राइट, अलग अलग कलर्स के, साइज़ के होते हैं। और कोरल्स जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले तो फ्रिंजिंग रीफ्स हम देखेंगे। ये ग्रो करते हैं नियर द कोस्ट लाइन अराउंड आइलैंड्स एंड कॉन्टिनेंट्स, और ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो जो भी कोस्टल एरिया होगा, राइट, वहाँ पे थोड़ा सा पानी हो जाने के बाद ये कोरल रीफ्स जो है वो ग्रो होना शुरू कर देते हैं, राइट, क्योंकि ये लो टाइड जोन पर नहीं आ सकते क्योंकि वहाँ पर कभी कभी पानी नहीं होता है। तो उसके वजह से क्या हो जाता है कि ये शोर से थोड़ा सा सेपरेटेड होते हैं बट बाय नैरो एंड शैलो लगूनस, राइट। अब लगूनस तो हम जानते हैं, ट्रैप्ड वाटर बॉडी समझ लीजिए उसको ओशन की। और फ्रिंजिंग रीफ्स सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं। फिर आते हैं बैरियर रीफ्स। बैरियर रीफ्स कोस्ट लाइन को पैरेलल होते हैं बट वो डीपर और वाइडर लगून से सेपरेटेड होते हैं। तो ये जो होते हैं वो कोस्ट लाइन से काफ़ी दूर भी पाए जाते हैं। और शैलोएस्ट पॉइंट जो भी होगा उसका, तो वो समुंदर के पानी के ऊपर तक आ सकते हैं, राइट, अगर डिफरेंस अगर कम रहा पानी के सरफेस का और इनके ग्रोथ का। तो जिसके वजह से क्या हो जाएगा कि अगर कोई शिप वहाँ से नेविगेट कर रही हो तो उसके लिए बैरियर खड़ा हो जाएगा। इसी के वजह से इन्हें बैरियर रीफ्स कहा जाता है। द ग्रेट बैरियर रीफ इन ऑस्ट्रेलिया लार्जेस्ट एंड मोस्ट फेमस बैरियर रीफ इन द वर्ल्ड है। फिर हम आते हैं अटॉल्स के तरफ। तो अटॉल्स जो होते हैं वो एक्चुअली एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। आप ये इमेज देख ही रहे होंगे, ये कुछ इस तरीके से बनते हैं कि अगर ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग आइलैंड्स है जो कि यूजुअली अंडर वाटर वोल्केनोज या फिर अंडर वाटर जो भी सबमर्ज्ड माउंटेन्स होते हैं उनके टिप्स रहते हैं, राइट, तो ये जो आइलैंड्स होते हैं उनके सराउंडिंग में फ्रिंजिंग रीव्स ग्रो करते हैं, राइट। बट अगर विथ टाइम ये आइलैंड सिंक हो जाता है तो भी उनके सराउंडिंग के जो ये रीफ्स है वो रह जाते हैं और वो ग्रो करने लग जाते हैं। तो फिर ये रिंग जैसा एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिन्हें हम फिर एटॉल्स कहते हैं। और इनके अंदर जो ट्रैप्ड वाटर बॉडी है उन्हें हम फिर से लगूनस बोलेंगे। अब इंडिया में अलग अलग जगह पे कोरल रीफ्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार में मिलते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार में मिलते हैं, यहाँ मिलेंगे, गल्फ ऑफ मन्नार में मिलते हैं, मुंबई के पास और
गुजरात के पास भी मिलते हैं, गल्फ ऑफ कच्छ के पास। बट आज हम जो देख रहे हैं एंग्रिया बैंक्स के बारे में, राइट, तो ये महाराष्ट्र के कोस्ट के पास है एंग्रिया बैंक। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं काफ़ी एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है, अर्ली 2000 में ही इनको डिस्कवर कर लिया गया था। तो चलिए इनके बारे में देखते हैं। अभी सिचुएटेड 140 किलोमीटर ऑफ द मालवण कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र, द 600 स्क्वायर किलोमीटर प्लेट्यू इज सबमर्ज्ड रीफ विथ रिच कोरल डाइवर्सिटी। तो ये एक सबमर्ज्ड रीफ है, ठीक है, दिस इज अ सबमर्ज्ड रीफ, नॉट एन अटॉल। तो ये समुंदर के ऊपर नहीं आए हैं। अब ये आप एक बात डिस्टिंग्विश समझ लीजिए कि एटॉल्स जो होते हैं वो यूजुअली आपको कोस्ट लाइन से काफ़ी दूर भी मिल सकते हैं, राइट, क्योंकि उनके पास कभी ना कभी लैंड एरिया रहा था, शैलो वाटर्स में वो रहे थे, जिनके वजह से उनकी ग्रोथ हुई। बट सबमर्ज्ड रीफ्स जो होते हैं वो यूजुअली इतने बड़े स्केल में कोस्ट से इतने दूर नहीं मिलते हैं, राइट। सो इट इज़ एन ओपन सी एंड सबमर्ज्ड, अनलाइक शैलो रीफ्स ऑफ अंडमान और लक्षद्वीप। अंडमान और लक्षद्वीप में आपको मोस्टली शैलो रीफ्स मिलेंगे। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने की बात ऐसी है कि एंग्रिया बैंक्स जो है वो हमारे टेरिटोरियल वाटर्स के बाहर आता है, बट हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर ही आता है। अब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मतलब यहाँ पे हम एक्सक्लूसिवली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैरी आउट कर सकते हैं। अब इसी के चलते ये बोला जा रहा है कि एंग्रिया बैंक्स को हम एक एज अ टूरिज़म स्पॉट ग्रो कर सकते हैं। डीप डाइवर्स के लिए ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी, कोरल्स को ऑब्जर्व करने के लिए एक स्पॉट बना सकते हैं। तो इसी के चलते चल रहा था कि इसे प्रोटेक्टेड एरिया घोषित कर देना चाहिए, बट क्योंकि ये आपके टेरिटोरियल वाटर में नहीं आता है, इंडिया के टेरिटरी में ये नहीं आता है, हम उसको नॉर्मल एक्ट्स के अंडर प्रोटेक्टेड एरिया घोषित नहीं कर सकते। नॉर्मली हम वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंदर करते हैं, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के अंदर। बट कुछ ऐसी चीज़ें जिनके लिए कंडीशंस कुछ स्पेशल है, जैसे कि ये ईईजी वाला जोन, उसके लिए हमारे पास एक्ट है, मैरिटाइम जोन्स एक्ट ऑफ 1976। तो इसके अंडर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नॉट दे दिया है, हाँ बोल दिया है कि हम इसे एक डेजिग्नेटेड एरिया फॉर कंजर्वेशन घोषित करेंगे, जिसके ऊपर अभी सेंटर आपको बताएगा कि इसे करना है या नहीं। तो ये अगस्त में एक्चुअली हुआ था। फिर ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इसे हमें डेवलप करना है एज अ पोटेंशियल साइट फॉर रेगुलेटेड टूरिज्म। अब आते हैं कि हमने क्यों कहा कि क्या ये इंडिया के बैरियर रीफ्स बन सकते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ्स बन सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी दूर है कोस्ट से, पहली बात तो। प्लस अगर आप इसका स्ट्रक्चर अगर देखें यहाँ पे, तो इसका जो शालोएस्ट पॉइंट है, राइट, वो पानी से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 20-25 मीटर तक ये आपको दिखाई पड़ रहा है, जिसके वजह से इसकी अगर ग्रोथ होती है और ये वाटर के ऊपर आ जाते हैं, वाटर के ऊपर मतलब सरफेस के ऊपर तक दिखने लगते हैं, तो ये बैरियर रीफ्स में डेवलप हो सकते हैं। प्लस ये काफ़ी, इनका स्प्रेड काफ़ी ज़्यादा है और ये सराउंडेड है बाय वेरी हेल्दी इको सिस्टम, क्योंकि अभी अब तक तो यहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं था, राइट। तो यही इसकी कुछ खासियतें हैं कि ये एक बहुत ही थ्राइविंग और यूनिक बायोडाइवर्सिटी का होम है, राइट। मरीन लाइफ यहाँ की बहुत हेल्दी है, अनलाइक जो हम जानते हैं अब अंडमान निकोबार या फिर लक्षद्वीप में, जिस तरीके से अगर टूरिज्म और ह्यूमन इंटरवेंशन बनता है तो कोरल्स को भी खतरा वहाँ पे पहुँचता है, क्योंकि पानी जो है वो पोल्यूटेड होने लग जाता है, तो कंडीशंस जो होती है कोरल्स को ग्रो करने के लिए वो नहीं मिलती है। फिर इजी कनेक्टिविटी है मेनलैंड इंडिया के साथ, बॉम्बे के साथ और मुंबई के साथ इनकी कनेक्टिविटी जो है वो बहुत आसान हो जाएगी, इसलिए भी इसे एक टूरिज़्म एरिया में हम घोषित कर सकते हैं, राइट। ये कुछ इमेजेस एक दो तीन डाल दिए हैं, आप देख सकते हैं कि कितना यूनिक बायोडाइवर्सिटी है यहाँ पे। तो आज का ये वीडियो था एंग्रिया के बारे में, एंग्रिया कोरल रीफ्स। आई होप यू लाइक दिस, एंड इफ यू डिड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल होलिस्टिक फैक्ट्स। थैंक यू।